नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज, उत्तर प्रदेश में स्थानीय समाचारों का सबसे बड़ा चैनल, और प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। रामनगरी की विश्व प्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा शनिवार को दोपहर 12:32 को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई। परिक्रमा में विभिन्न स्थानों से आए लाखों श्रद्धालु आस्था के कठिन डगर पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ चल पड़े। अयोध्या और जुड़वा शहर फैजाबाद के चतुर्दिक लगभग 42 किलोमीटर लंबे 14 कोसी परिक्रमा पथ पर जगह जगह से लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा उठाई। अयोध्या के साधु संत देश भर के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं के साथ भगवान श्री राम के जयकारों के बीच परिक्रमा कर रहे हैं। दोपहर 12:32 पर श्रद्धालुओं ने परिक्रमा शुरू की, जो अनवरत 24 घंटे मुहूर्त अवधि तक जारी रहेगी। यान कान च पापान जन्म जन्मांतर कृतान च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे, अर्थात परिक्रमा पथ पर चला गया एक एक पग मनुष्य के हजारों पाप और कष्टों का नाश करता है। इसी मान्यता के चलते लाखों श्रद्धालु हर वर्ष कार्तिक शुक्ल की अक्षय नवमी के मौके पर रामनगरी में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। 42 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ पर लाखों श्रद्धालु हर साल शामिल होते हैं। शास्त्रों के अनुसार परिक्रमा पथ के दायरे में भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और यहां पर स्थित करीब 6000 मंदिर आते हैं, और इस परिक्रमा के माध्यम से भगवान श्री राम की जन्मस्थली सहित पूरी अयोध्या की परिक्रमा हो जाती है। परिक्रमा का आगाज मुहूर्त में 12:55 पर प्रारंभ हुआ नाका हनुमानगढ़ी से, और सभी को बधाई की अयोध्या की पौराणिक परिक्रमा है 14 कोसी, लोग का कुशल पूर्ण करें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना भी है। और मंदिर में सारे प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था, पत्रकार बंद हो, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, शहर के लोग हैं, बहुत ही धैर्यपूर्वक इनकी सेवा कर रहे हैं। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, मिठाई की दुकान, प्रसाद की दुकानें हैं, और बहुत ही सुंदर पर्व है। और आज इस परिक्रमा से लाभ क्या है? लाभ है कि जिस क्षेत्र नगर में आप बसिए उसकी एक बार तो प्रदक्षिणा वर्ष में होनी चाहिए, और ये तो अयोध्या की पौराणिक व्यवस्था है, पौराणिक गाथा है। ये हमेशा जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तब से परिक्रमा सनातनी व्यवस्था है। हमारे भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर लाखों लाख यात्री आज आ रहे हैं। बहुत ही यह पर्व है, हम सभी भारतवासियों को, देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि अयोध्या की युगों युगों से चली आ रही 14 कोसी, पंच कोसी, चौरासी कोसी परिक्रमा और अक्षय तृतीया नवमी है आज। यह पर्व अपने आप में बहुत ही जो है विशुद्ध पर्व है। आज जो भी आप काम करेंगे उसका क्षय नहीं होगा, अक्षय होगा। और आज के दिन आंवले का, सूरन का, इसकी सब्जी बनानी चाहिए, खाने से आदमी जो है अमृतत्व को प्राप्त होता है, दीर्घायु। फैजाबाद नगर निगम व निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। तहसील सदर में गोसाईगंज व अयोध्या नगर निगम में सभी प्रत्याशियों का नामांकन होना है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से चलकर शाम 3 बजे तक चलेगी। 60 वार्डों के पार्षद के लिए 10 आरओ एवं उनके सहयोग के लिए 20 एआरओ नियुक्त किए गए हैं। उक्त जानकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने दी।
फैजाबाद नगर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क के सामने राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सुड्डू मिश्रा व जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने के विरोध में जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गन्ना जलाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो गन्ने का मूल्य 315 रुपए था, तब भाजपा इस मूल्य का विरोध करती थी, और जब भाजपा सरकार केंद्र व राज्य दोनों जगह है तो गन्ने का मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, और आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गन्ने का मूल्य 450 रुपए करने की मांग करती है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विशेषनाथ मिश्र व बबलू यादव के साथ जितेंद्र यादव, नेत्रराम वर्मा, हरीश चंद्र के साथ दर्जनों लोग मौजूद रहे। ये है कि प्रदेश सरकार ने जो है गन्ना किसानों के साथ विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है। जितनी गन्ना किसानों की लागत आ रही है खेती में, उसके अनुपात में गन्ना किसानों का मात्र 10 रुपये गन्ना मूल वृद्धि करना, ये किसानों के साथ धोखा है, और राष्ट्रीय लोकदल पूरा किसान इसका विरोध करता है। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से लगातार किसानों का शोषण होता आ रहा है। जब यही बीजेपी सरकार के बाहर थी, विपक्ष में थी, तो ये 350 रुपये गन्ना मूल घोषित करने का मांग लगातार करते थे, और आज जब वो सत्ता में आ गए हैं तो किसानों का जो है खेंगा दिखाने का काम किए हैं। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ गन्ना की होली जला रहे हैं। इसके पीछे अभी सपा की गवर्नमेंट थी, तब क्या उत्पन्न हो रहा था, नहीं हो रहा था, गन्ना मूल क्या था उस समय, और आज बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केंद्र में भी है, सारे राज्यों में है, ऐसा क्यों जागी होना कर रही, किसानों के साथ खेल कर रही, क्या मामला है भाई? देखिए, चौधरी चरण सिंह ही किसानों के नेता थे, उन्होंने कानून बनाकर किसानों का भला करने का काम किया था। बाकी जो भी पार्टियां आई हैं, ये किसानों का प्रयोग केवल वोट के लिए करती हैं, बाकी किसानों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अगर ये सच्ची किसानों की हितैषी हैं तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, किसान आयोग का गठन करें, जिससे किसानों का चौधरी चरण सिंह के जमाने की तरह कानून बनाकर उनको उनके फसलों का दाम मिल सके। जिस तरह से अभी चुनाव आ रहा है नज़दीक, नगर निगम और नगर निकाय चुनाव चल रहा है, तो क्या बीजेपी का इसमें आप लोग वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, माननीय हमारे पार्टी के चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि इस चुनाव में हम लोग जो है स्वयं राष्ट्रीय लोकदल परिषद पे लेकर मेयर तक सभी पदों पर अपना प्रत्याशी खड़े करेंगे। क्या नाम आपका है? चौधरी राम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। अयोध्या नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बीएलओ द्वारा की गई धांधलेबाजी आज उस समय सामने खुलकर आई जब प्रबल दावेदार सर्वेश कुमार वर्मा के प्रतिनिधि संदीप पटेल के हाथ में जब लिस्ट आई तो उन्हें उनके प्रकच्छे होश उड़ गए। उनके पिता का नाम ही बदला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। मामला अश्विनीपुरम कॉलोनी का है। पिछली शिकायत में प्रत्याशी के पूरे परिवार का ही नाम गायब था। शिकायत के बाद परिवार का नाम तो आया पर प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी सर्वेश कुमार वर्मा के पिता का नाम राजित राम होना चाहिए था, उसके स्थान पर रजत वर्मा पाया गया, जिसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पहली बार में तो नाम ही गायब कर दिया गया था हमारे प्रत्याशी का, इस बार अभी देख रहा हूँ फिर दोबारा अपडेट होके आया, सब कुछ चेंज होके आया, तो उनके पिताजी का नाम ही गलत आ गया है, बाकी उनके भाइयों का सब कुछ नाम सही आया, जो कि सब सेम था, तो डायरेक्ट सबका नहीं, सबका गायब हुआ था, सबका आया, लेकिन पिता का नाम गलत आ गया इसमें। क्या नाम है उनके पिता का नाम है राजित राम। का नाम क्या है? प्रत्याशी का नाम सर्वेश कुमार वर्मा। अच्छा, और दोबारा फिर आया हुआ उनके पिता का नाम जो है राजित राम है, लिख के आया है इसमें रजत कुमार वर्मा, बाकी उनके जो भाई हैं प्रत्याशी हैं। अभी पार्ट क्या लगता है कि जो हेरा फेरी हो रही है, क्या शासन द्वारा हो रहा है, कैसे कर रहा है बीएलओ, क्या गलती कर रहा है? नहीं, इसमें तो पूरी साजिश हो रही है, ये तो साजिश हो रही है, विरोध हो रहा है, अच्छा खासा विरोध भी किया जा रहा है इसका, सब हर जगह चल रहा है, इसमें पूरी साजिश है कि किसी भी तरीके से इनका नाम, जैसे आज जनता इनको चाह रही है तो ये चाह बाकी लोग जो, यानी आपको लगता है कि जो शासन में बीजेपी तो वही करवा रही है बीएलओ को? अब ये बिल्कुल जो भी शासन होता है हाथ में, सब कुछ उसी के हाथ में होता है, चाहे वो बीजेपी हो या ये कौन सा बीएलओ, क्या नाम उसका है? अब बीएलओ इनका नाम शायद कोई मिश्रा जी है, क्या नाम इनका, मिश्रा जी उसमें लिखा है आपके, उसमें मिश्रा जी हैं कुछ, यानी ये मिश्रा जी जो है अश्विनी मिश्रा जी, ये अभी पिछले भी गलती की है और आज फिर गलती कर दिया जी, पिछली बार तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि मैं घर पे गया था, कोई था नहीं, एक बार नहीं था, कोई दोबारा तो क्या इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे? बिल्कुल किया जाएगा, डायरेक्ट अगर ये आज अपडेट होकर नहीं आता तुरंत कार्रवाई होगी, हमें तो प्रत्याशी को जनता चाह रही है, आंदोलन हो गया, जो भी होगा इसके लिए धरना दिया जाएगा। क्या नाम है?
मनीष त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी बीएलओ है हमारे यहाँ के, अश्विनीपुरम वार्ड है हमारा। अच्छा अच्छा, अश्विनीपुरम करोनी का मामला है जी, और अश्विनी त्रिपाठी बीएलओ जी, यानी इसके पहले भी आप इन्होंने हेरा फेरी की आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। और आज जब आपके प्रत्याशी का नाम आ गया जी, तो उनके पिता का ही नाम गायब कर दिया? पिता का नाम ही गायब कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। बाकी भाइयों में, भाइयों में सही है, सबका गायब था, बाकी लोग आ गया, लेकिन इनका पिता का नाम चेंज करके आया। यानी यहाँ पर चाहते हैं कि प्रत्याशी ही चुनाव में लड़ पावे? नहीं, वो चाह रहे हैं जनता, जनता का रुझान उनके उसके उनके तरफ है, प्रत्याशी तरफ हमारे, इसलिए सब चाह रहे हैं किसको हटा के, और जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया जाए, कोई सामने पर चुनाव लड़ ही ना पाए तो जनता क्या करेगी फिर। तो इसकी शिकायत आपने की? अभी शिकायत के लिए तो हमारे, हमने देखा लिस्ट निकाला तो पता लगा, इसके लिए आप अपडेशन दे दीजिए, अगर हो पाएगा तो करवा देंगे। अभी यहाँ से भी ऑफिस से मिला, अभी मैं एप्लीकेशन लिख के जिलाधिकारी जी के पास। फैजाबाद नाका स्थित गणपति गेस्ट हाउस के निकट 14 कोसी परिक्रमा के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करके किया गया। वहीं पर भागीरथ पचेरी वाले ने डॉक्टर खत्री को अंग वस्त्र व मोती की माला पहनाकर स्वागत किया। पचेरी वाले ने बताया कि 40 वर्षों से लगातार परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा में विशाल भंडारा होता चला आ रहा है। इस मौके पर श्री प्रकाश पाठक, गोविंद अग्रवाल, संतोष गोयल के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आज ये परिक्रमा, आज अयोध्या की 14 कोसी जो परिक्रमा का ये जो आयोजन है, उसमें हमारे बहुत जाने माने समाज सेवी माननीय भगीरथ पचेरी वाला जी, हर वर्ष की भांति उन्होंने आज यहाँ पर गांधीनगर में नाका हनुमानगढ़ी के पास ये आज एक भंडारे का आयोजन कर रखा है, और इस भंडारे के जरिए हजारों लोगों की सेवा इस पूरी परिक्रमा में ये करते आए हैं, और जितनी भी इनकी सराहना की जाए, श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, और जो आज परिक्रमार्थी पैदल चल रहे हैं उनको कुछ उनकी सेवा भी हो सके, मैं समझता हूँ कि इस भाव से जितने भी और लोग हैं उन सबको जुड़ना चाहिए। सांसद जी, एक बात और सवाल था, ये जिस तरह से पहले नगर पालिका था और आज नगर निगम में तब्दील हो गया है, और आज जो है परिक्रमा मार्ग में कहीं भी रेत की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और कटीले तार के तरीके भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, और यहाँ पर पथरीले मार्ग हैं, इसमें क्या कहना आपका है, क्या कहना आपका, बताइए। नहीं भाई देखो, ये हर समय टीका टिप्पणी का नहीं हो, नहीं नहीं, अभी जैसा अभी हमने निरीक्षण किया है वहाँ देखा जा करके कि पत्थर पड़े हुए हैं रोड पे और सफाई नहीं हो पाई, टीका टिप्पणी का भी नहीं होता है। ये जो धार्मिक उत्सव है, इसमें जो श्रद्धालु है वो जब निकलता है तो वो कांटों की परवाह, पत्थर की परवाह नहीं करता है। ये अलग बात है कि प्रशासन का ये दायित्व है कि हम कितनी सुविधा तीर्थयात्रियों को प्रदान करें, और किसी की भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, उसको ये देखना चाहिए कि वो जो लोग निकले हैं परिक्रमार्थी, उनकी सेवा में, उनकी सुविधा में कहीं से कोई कमी ना हो। अगर कहीं कोई चूक हुई है तो मैं समझता हूं कि अभी तो परिक्रमा की शुरुआत है, प्रशासन उसका संज्ञान लेगा और उसको ठीक। राम राज्य आने के बाद 14 कोसी परिक्रमा का आज भंडारा वृद्ध रूप से चल रहा है। करीब करीब 10 लाख आदमी, मेरा अनुमान है, आज
परिक्रमा करेंगे, उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ आवास व्यवस्था, कुछ भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था 1978 से मैं करता चला आ रहा हूँ और ईश्वर की कृपा है कि मुझे ईश्वर जो है इतनी ताकत दे, जब तक ये मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं जनता की सेवा करता रहूँ। मुझे बहुत आनंद आता है सेवा में, मेरा उद्देश्य केवल यही है। ऐतिहासिक अयोध्या धर्म की नगरी से 14 कोसी परिक्रमा का आगाज हो चुका है। वहीं पर जगह जगह विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। भक्तों के प्रसाद के लिए रामनगर कॉलोनी के निवासियों ने भी विशाल भंडारे का आयोजन किया। उसी तर्ज पर मोदहा के पास हिंदू एवानी के मीडिया प्रभारी रजनी शर्मा द्वारा भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। लाखों की भक्तों में संख्या ने जो है प्रसाद ग्रहण किया और अपने जीवन को कृतार्थ किया। पास आपने यहाँ पर विशाल भंडारा आयोजन किया है, इसमें क्या कैसे क्या है, कब से कर रहे हैं? हर साल हिंदू आवानी की तरफ से कराया जाता है, महाराज जी की तरफ से पिछली बार भी कराया गया था और हर बार ये महाराज जी की तरफ से, इस बार महाराज जी मंत्री है क्योंकि ये माने लगता है गोरखपुर के सांसद थे और आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है और मुझे लगता है कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर वो आगे की ओर प्रगति चलेंगे और माननीय मोदी जी को वो और प्रगति 2022 में जो है विजय की ओर रास्ते पर ले जाएंगे। साकेत न्यूज चैनल माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? साकेत न्यूज चैनल माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपका है? सभी पत्रकार बंधुओं को मैं यही कहना चाहता हूँ और साकेत न्यूज चैनल को मेरा जो कि हर साल बहुत अच्छा हमारा जो कि उनसे बहुत ही अच्छा लगाव है और हर बार अच्छा जो है मतलब हमारी खबर सब कुछ मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं जो मैं उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद साकेत न्यूज चैनल के पूरे परिवार को, उन्होंने हिंदू आबादी को जो है एक अग्रसर आगे की ओर लेकर चला और उनका सहयोग और आशीर्वाद से महाराज योगी आदित्यनाथ जो है अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने हम लोग का संकल्प है और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता है। क्या नाम आपका है? रजनीश मौर्य, हिंदू आवानी, जिला मीडिया प्रभारी अनिता फैजाबाद। आप रोज देखते रहिए समाचार इसी चैनल पर इसी समय। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा बड़ी धूमधाम और आगाज के जय श्रीराम की घोष के साथ प्रारंभ हो गई है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। कहीं भी किसी भी घटनाएं को देखते हुए ये लोग मद्देनजर देख रहे हैं। जेब पत्रों से सावधान करने के लिए काफ़ी फोर्स तैनात है और रेलवे क्रॉसिंग पर भी फोर्स लगी हुई है जिससे किसी को कोई दुर्घटना न हो पावे। बुधा पाप खड़े हैं, कैसी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए 14 कोसी परिक्रमा जो चल रही है उसमें मंडलायुक्त महोदय, आईजी जोन महोदय और एसएसपी महोदय, डीएम सर, एसपी सिटी सर और एडीएम सिटी सर, सारे के सारे लोग ऑन रोड हैं, परिक्रमा मार्ग पे ही घूम रहे हैं। सभी जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं। दो मेन रेलवे क्रॉसिंग है मौदहा और एक दर्शन नगर के पास, वहाँ पर तीन तीन लेयर में जो है लगा करके सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। तीन तीन बैरियर लगे हैं कि पहले से ही जैसे एक आसन होगा ट्रेन का बैरियर बंद कर दिए जाएंगे और फिर पब्लिक को धीरे धीरे आराम से छोड़ा जाएगा और पूरे रोड पे कहीं भी छेड़खानी ना हो, कहीं भी और कोई घटना न घटित हो, इसके लिए सब जगह चप्पे चप्पे में पूरा फोर्स लगाया गया है और निगरानी सभी मजिस्ट्रेट द्वारा और सारे उच्च अधिकारीगण द्वारा की जा रही है।